गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास सिक्स के यूनिट 14 का एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज के अंदर हमारे जो क्वेश्चन है वो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है, 3.2 सेंटीमीटर कंपास खोलनी है और एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 3.2 लेना है। तो 3.2 सेंटीमीटर आपने कंपास खोलनी है और एक सर्कल ड्रॉ करना है और जिसके सेंटर पे हमें ऐसे लाइन लगानी है और यहाँ पर लिख दें 3.2 सेंटीमीटर। सिंपल एक कंपास लेके 3.2 सेंटीमीटर कंपास खोल के एक हमने सर्कल ड्रॉ कर देना है और सेंटर पे वो लिख देना है और यहाँ पे भी हमने नेम लिख देना है, वो है 3.2 जो रेडियस है वो ए है इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड, विद द सेम सेंटर ओ ड्रॉ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। हमने एक ही सेंटर पे दो सर्कल ड्रॉ करने हैं, एक 4 सेंटीमीटर का और एक 2.5 सेंटीमीटर। तो पहले हमने स्टार्ट कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने कंपास खोलनी है 2.5 सेंटीमीटर, तो एक ही जगह पे रख के सेंटर लेके कंपास रख के वहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर देंगे। फिर हमने सेंटर का नाम लेना है, उसी सेंटर पे हमने रख के कंपास 4 सेंटीमीटर खोलनी और 4 सेंटीमीटर का सर्कल इसी सेंटर पे रख के, सेम सेंटर रख के हमने एक और सर्कल ड्रॉ कर देना इसके ऊपर ही। तो ये 2.5 सेंटीमीटर का, तो यहाँ लाइन लगा देंगे और लिख देंगे 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर बाहर वाले सर्कल तक जो रेडियस है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। तो बाहर लिख देंगे ओ ए हमारे पास 2.5 है और ओ बी है रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन ऐसे बनाना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है, ड्रॉ ए सर्कल एंड एनी ऑफ टू इट्स डायमीटर, इफ यू ज्वाइन द एंड्स ऑफ दीज डायमीटर व्हाट इज द फिगर ऑब्टेंड। और आगे देखा है, व्हाट इज द फिगर ऑब्टेंड इफ द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हाउ डू यू चेक यूर आंसर। तो हमने क्या करना है, उन्होंने लिखा है कि ड्रॉ ए सर्कल एंड एनी ऑफ इट्स डायमीटर। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो हम पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, उन्होंने लिखा है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। और उन्होंने कहा कि इसके हमने कोई भी दो डायमीटर बनाने, तो मैंने यहाँ से लाइन एक पास कर दी, सेंटर से पास होनी चाहिए डायमीटर के अंदर, एक लाइन हमने यहाँ से पास कर दी। उसके बाद आगे दिखाया उन्होंने कि व्हाट इज़ द फिगर ऑब्टेंड, कौन सी फिगर बनेगी। हमने दो डायमीटर लिए, एक ए बी है एक सी डी है। अब इनको हमने ज्वाइन कर देना, बी को सी के साथ, सी को ए के साथ, फिर बी को डी के साथ और ए को डी के साथ। तो फिगर हमारे पास बन जाएगी रेक्टेंगल। तो नीचे लिख देंगे हम ए बी सी डी दे
rectangle. लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम परपेंडिकुलर, उन्होंने लिखा कि क्वेश्चन के अंदर कि इफ़ द डायमीटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो फिर कौन सी फिगर बनेगी, फिगर चेंज हो जाएगी। हम दोबारा फिर इसको ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल, जितनी मर्जी मेजरमेंट का सर्कल हम ले सकते हैं। यहाँ पे हमने सेंटर ले लिया हो, और अब उन्होंने लिखा कि जो डायमीटर्स हैं वो सेंटर परपेंडिकुलर बनाना चाहिए, प्लस का साइन मारना चाहिए। तो ये हमने ए बी ले लिया, और दूसरा हमने यहाँ पे हमने जो नाम लिखना है ये सही तरीके से लिखना है, नाम ए डी बी सी लिखना है। ये नहीं लिखेंगे, सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, या तो लिखेंगे ए सी बी डी या ए डी। यहाँ पे लिखेंगे ए डी बी सी, ये गलती से मैंने ए बी सी लिखा है, इसको ए डी बी सी लिखेंगे क्योंकि सीक्वेंस इस तरह बनता है। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही हमने नाम लिए, ए बी डायमीटर लिया, दूसरा हमने ऐसे कट कर दिया, तो परपेंडिकुलर बनाने, दूसरा हमने सी डी डायमीटर ले लिए। अब इनको हमने ज्वाइन करना है, बिल्कुल एंड पॉइंट पे ज्वाइन करना है। और ये हमारे पास ए डी बी सी, यहाँ पे परपेंडिकुलर के साइन बनाएंगे, उन्होंने कहा कि परपेंडिकुलर कट होने चाहिए दोनों। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी, सीक्वेंस वाइज लिखेंगे बी सी इज ए स्क्वायर, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, थर्ड प्रो हो गया। थर्ड क्वेश्चन ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर है, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क पॉइंट ए बी सी सच दैट ए इज ऑन द सर्कल, बी इज इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल एंड सी इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा कि पॉइंट मार्क करने, फर्स्ट पार्ट के अंदर ए पार्ट के अंदर लिखा है कि ए इज ऑन द सर्कल, तो सर्कल के ऊपर हमने ए लगाना है, डॉट लगा के ए लगा देना। और आगे लिखा है कि बी इज इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल, बी अंदर लगाना है, सी के अंदर, जहाँ सर्कल के अंदर लगाना है, जहाँ मर्जी लगा सकते हैं, और सी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, सर्कल के बाहर लगाना है, जहाँ मर्जी लगा सकते हैं, सर्कल की बाउंड्री के बाहर लगाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर ऐसे करना है। अब क्वेश्चन नंबर फाइव करना है। फाइव नंबर क्वेश्चन क्या है, लेट ए, स्टेटमेंट ये है, लेट ए कोमा बी इज द सेंटर ऑफ टू सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस। दो सर्कल हैं इक्वल रेडियस के लेने, तो आगे लिखा ड्रॉ देम सच दैट, सो दैट ईच ऑफ वन ऑफ देम पास थ्रू द सेंटर ऑफ अदर, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हों। लेट देम इंटरसेक्ट एज सी एंड डी, ये दोनों सी और डी पे इंटरसेक्ट करें, और एग्जामिन करना है वेदर ए बी एंड सी डी आर राइट एंगल। तो ए बी और सी डी राइट एंगल हमने देखना है कि बनते हैं कि नहीं बनते। तो हमने कैसे करना है क्वेश्चन, एक रेडियस, किसी भी रेडियस कंपास खोल के किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करें। तो यहाँ सेंटर है, उन्होंने कहा दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास होने चाहिए, और एक का सेंटर हमने ए ले लिया, और दूसरा सर्कल भी उतने रेडियस का हमने ड्रॉ करना है, और दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास होने चाहिए। तो यहाँ हमने बी पॉइंट ले लेना, ए वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे कंपास रखनी है और इतनी कंपास खोलनी, और दूसरा सर्कल भी हमने यहीं पर ड्रॉ करना है,
इतना ही सर्कल बनेगा इसके साथ ही। तो दोनों का रेडियस क्या हो गया, सेम हो गया सर। जिसका सेंटर ए है उसका भी रेडियस ए बी है और दूसरे का रेडियस बी ए है। अब वो दोनों ने कहा कि दोनों इंटरसेक्ट करते हैं सी और डी पॉइंट पे, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे सर्कल सी और डी पॉइंट पे। अब हमें क्या करना है, सी डी को ज्वाइन करना है। और उन्होंने पूछा कि ए बी और सी डी क्या राइट एंगल बनते हैं, तो यहाँ पे राइट एंगल ही बनेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यस ए बी एंड सी डी आर राइट एंगल, ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर बनाते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 हमने अभी किया है और ये एक्सरसाइज 14.1 आपकी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट होगी। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आगे भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथी आपके फ्रेंड्स इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू वेरी मच।